म्यांमार में पिछले कुछ दिन से कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में कोविड 19 का डेल्टा वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की नई लहर के चलते दैनिक मौतों के मामले बढ़े हैं। संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी से सरकार चिंतित है। वही लोग भी सहमे हुए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। रोजाना 200 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को इंतजार करना पड़ रहा है। म्यांमार में पिछले 2 महीने से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे और पिछले 2 हफ्ते के दौरान ये रिकॉर्ड 7089 संक्रमणों के मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हाल में प्रतिदिन धीमी गति से कमी होना एक चेतावनी है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन यदि कोविड से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो ये बिगड़ सकती है। साथ ही सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगले 100 से 125 दिन व्यवस्था और लोग दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।